राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान के अलंकरण 2021 के लिए। संस्थाएं जो जीवन पर्यंत कार्य कर रही हैं, सामवे सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट मुंबई। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय त्रिपाठी जी से, कृपया अलंकरण का प्रशस्ति वाचन करें। सामवेद सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट देश का एक प्रमुख सांस्कृतिक संगठन है। यह संगठन भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य के उन्नयन के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहा है। पिछले 33 वर्षों से संगठन दो प्रमुख नृत्य एवं संगीत उत्सवों का आयोजन कर रहा है, पंडित दुर्गालाल उत्सव और रेन ड्राफ्ट म्यूजिक फेस्टिवल। महान कथक गुरु पंडित दुर्गालाल की स्मृति में होने वाले नृत्य और संगीत के प्रतिष्ठित रेन ड्राफ्ट म्यूजिक फेस्टिवल में युवा प्रतिभाशाली और उदीयमान प्रतिभाएं अपनी कला को प्रदर्शित करती हैं। यह युवा प्रतिभाएं नृत्य की किसी भी शैली में हो सकती हैं। यह संगठन अब तक 300 से भी अधिक युवा प्रतिभाओं को इन उत्सवों के माध्यम से प्रस्तुति का अवसर दे चुका है। सामवेद सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट मुंबई को सुप्रतिष्ठित कथक नृत्यांगना विदुषी उमा डोगरा संचालित कर रही हैं। इस संस्था के माध्यम से विदुषी उमा डोगरा शास्त्रीय कथक नृत्य की परंपरा को नई पीढ़ी तक आगे पहुंचा रही हैं। सुश्री उमा डोगरा सामवेद सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट के संस्थापक और प्रबंध न्यासी हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य एवं संगीत को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1990 में यह संगठन स्थापित किया गया था। संगठन द्वारा आयोजित पंडित दुर्गालाल उत्सव वस्तुतः संगठन के मार्गदर्शक मेंटर पंडित दुर्गालाल को एक श्रद्धांजलि है। संगीत एवं नृत्य के सुप्रसिद्ध कलाकार इस उत्सव में भाग लेते हैं। प्रतिवर्ष फरवरी माह में होने वाला यह संगीत उत्सव नृत्य के साथ कमोबेश सभी विधाओं को मंच पर प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार संगीत एवं नृत्य की युवा प्रतिभाओं के प्रदर्शन का एक बड़ा अवसर नेन ड्राफ्ट फेस्टिवल में प्रदान किया जाता है। संगठन की संस्थापक विदुषी उमा डोगरा भी एक प्रख्यात नृत्यांगना, एक कला शिक्षक और एक नृत्य निदेशक के रूप में देश और विदेश में कथक नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। विदुषी उमा डोगरा को वर्ष 2014 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से और वर्ष 2015 में महाराष्ट्र सरकार के राज्य गौरव सम्मान से भी अलंकृत किया गया है। विदुषी उमा डोगरा को वर्ष 2008 में अपने नृत्य के माध्यम से शांति एवं संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए मिन आन एसोसिएशन टोक्यो की मानद सदस्यता भी प्रदान की जा चुकी है। सामवेद सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट मुंबई ने देश में भारतीय शास्त्रीय नृत्य एवं संगीत जैसी प्रदर्शनकारी कला को जन जन तक पहुँचाने का अप्रतिम कार्य किया है। मध्य प्रदेश शासन सामवेद सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट मुंबई को विगत 3 दशकों से भी अधिक समय से नृत्य में संगीत में निरंतर सक्रियता, श्रेष्ठ कला अनुशासन एवं उत्कृष्ट सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से श्रेष्ठ उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान वर्ष 2021 से सादर विभूषित करता है। विनम्र आग्रह है कला अनुरागी दीदी जी से, कृपया संस्था के प्रमुख प्रख्यात नृत्यांगना उमा डोंगरा जी को अभिनंदित करें। समग्र भारतीय कलाओं के संवर्धन और प्रोत्साहन के लिए संस्था गत 3 दशकों से समर्पित है। कलाकारों की पौध तैयार करना, रसिकों को अपनी कला साधना से अभिभूत करना, यही है इस संस्था का कार्य और इन्हें सर्वोच्च संस्थाओं को दिए जाने वाले सम्मान राजा मानसिंह तोमर सम्मान से अलंकृत किया जा रहा है। करतल ध्वनि के साथ हम इस दृश्य को अविस्मरणीय बनाते हैं। संगीत हमारी शिराओं में बहता है और साधकों ने निरंतर जीवन पर्यंत समर्पण के साथ उसको उत्कर्ष तक पहुंचाया है और ऐसा ही एक व्यक्तित्व है ग्वालियर घराने के मूर्धन्य संगीत साधक पंडित बालाभाऊ उमड़ेकर कुंडल गुरु। उनके द्वारा कुछ दुर्लभ बंदिशों की रचना की और जो अपने आप में अप्रतिम है,
मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग उन सभी कलाकारों ने जीवन पर्यंत साधना की है और कुछ अनुपम दस्तावेज तैयार किया है, उनको सम्मान करता है, उनकी कृतियों का लोकार्पण करता है। उसी क्रम में पंडित बालाभाऊ उमड़ेकर कुंडल गुरु कृत राग सुमन माला प्रथम और द्वितीय भाग का लोकार्पण इस मंच पर होगा। उनके चिरंजीव वरिष्ठ सितारवादक पंडित श्रीराम उमड़ेकर एवं उनकी सुपुत्री सुश्री गीतिका उमड़ेकर मसूरकर से मैं निवेदन करता हूं इस अवसर पर मंच पर उपस्थित रहे हैं। दुर्लभ बंदिशों का एक अप्रतिम दस्तावेज स्वरूप एक पुस्तक का लोकार्पण, जो कालांतर में संगीत के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, जो उनका मार्ग प्रशस्त करेगा। इसका संपादन किया है उन्हीं के चिरंजीव पंडित श्रीराम उमड़ेकर, जो खुद एक वरिष्ठ सितारवादक के रूप में स्थापित हैं, और उनकी सुपुत्री जो खुद एक गायिका है सुश्री गीतिका उमड़ेकर मसूरकर। हर संस्कारवान भारतीय के जीवन में संगीत आनंदमयी व मोक्षदायिनी विधा के रूप में प्रतिष्ठित है। दो भाग हैं इस पुस्तक के, उसमें सभी कुछ समेटने का प्रयास किया है। ये अपने आप में एक दस्तावेज है, संगीत की एक थाती है, जो निश्चित ही संगीत के विद्यार्थियों के लिए और संगीत की सुदीर्घ परंपराओं में अपना एक विशेष स्थान रखती है। हर संस्कारवान भारतीय के जीवन में संगीत आनंदमयी मोक्षदायिनी विधा है के रूप में प्रतिष्ठित है। संगीत के द्वारा राष्ट्रीय एकता दक्षिण उत्तर संयोग साधने के उद्देश्य से राग सुमनमाला ग्रंथ का लेखन हुआ है। इस विषय पर शोध कार्य व राग सुमनमाला पुस्तक का लेखन सन 1930 में और 1936 की अवधि में किया गया था। ग्वालियर रियासत के दरबार गायक स्वर्गीय पंडित बालाभाऊ उमड़ेकर कुंडल गुरु जी की राग सुमन माला पुस्तक अतीत की खोज में एक नवीन धागा निर्माण है। इसके प्रत्येक भाग का अपना अलग अस्तित्व है, इसे दो भागों में समेटा गया है और जिसका संपादन उनके पुत्र श्री राम उमड़ेकर व सुपुत्री गीतिका उमड़ेकर ने किया है। तो ये एक पुस्तक का लोकार्पण आज इस पवित्र मंच पर हुआ है। आभार। साधक जो अलंकृत हुए हैं इस पवित्र मंच पर, जीवन पर्यंत साधना करते हुए उनकी अनुभूति अपने आप में एक उत्कृष्ट भाव रखती है और उसके लिए मैं निवेदन करता हूं आदरणीय पंडित नित्यानंद हल्दीपुर जी से, कृपया अपना मनोगत इस मंच पर रखने का आग्रह है आपसे। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आप ये समारंभ में आकर मुझे आपने आशीर्वाद दिया है, इतने योग्यता नहीं होते हुए भी आपने मुझे सम्मान दिया है, इसलिए मैं ये मध्य प्रदेश और आस्था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और आचार्य अलाउद्दीन म्यूजिक कला अकादमी का मैं आभारी हूँ। मैं बात नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए। समर्पित साधक अपनी कला का प्रदर्शन करके ही अपनी बात कहते हैं और वो आपने यहाँ साबित किया है, आभार आपका। इसी क्रम में राष्ट्रीय राजा मान सिंह तोमर सम्मान से अलंकृत सामवेद सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट की संचालिका विदुषी उमा डोंगरा जी से मैं आग्रह करता हूं कि अपना मनोगत यहां रखें। सर्वप्रथम आप सबको मेरा प्रणाम। कहते हैं ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले। आर्टिस्ट की जिंदगी में कोई भी चीज़ कहीं पे ख़त्म नहीं होती है,
उस समुद्र की तरह हिलोर खाती रहती हैं ख्वाहिशें, और उस अंत स्तर पे जाने की इच्छा हमेशा रहती है। जब भी कोई सम्मान मिला, जब भी कोई प्यार मिला, हमने सहृदय उसको अपने सर माथे पे रखा, और उसके लिए हम हमेशा आप सब लोगों के ऋणी रहते हैं। और शायद इसी वजह से, क्योंकि मेरे गुरु पंडित दुर्गालाल जी बहुत जल्दी चले गए थे, तो मैंने जब ये संस्था स्थापित की, उस माध्यम से मैंने अपना एक ग्रैटिट्यूड जो था आप सब लोगों के प्रति, समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति, इस सामवे सोसाइटी के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को स्टेज देकर, और आप रसिक जनों को अच्छे म्यूजिशियंस, अच्छे कलाकारों से परिचित कराकर, वो मैंने पूरा किया। मैं खुद भी नृत्यांगना हूँ, पिछले 50 वर्षों से नृत्य कर रही हूँ, सिखा रही हूँ, बट मुझे हमेशा से लगता है कि हर आर्टिस्ट की ये ड्यूटी है, हर आर्टिस्ट का ये कर्तव्य है कि जो वो समाज से लेता है उसे वो वापस करे। और ये जरिया मेरे लिए सबसे बेस्ट था कि मैं और दूसरे कलाकारों को, आने वाली युवा पीढ़ी को, उस अपने स्टेज पे अपने साथ खड़ा हुआ देखूं। आज इस संस्था की वजह से बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो SNA अवार्डी हैं, जो बिस्मिल्ला अवार्डी हैं। मुझे बहुत दिल से बहुत खुशी होती है कि वो सब कलाकार आज उन ऊंचाइयों को छू रहे हैं। और मैं मध्य प्रदेश, इस जगह से मेरा नाता आई थिंक कम से कम भी नहीं तो 40 साल पुराना है। कोई शहर ऐसा नहीं है मध्य प्रदेश का जहां मैंने परफॉर्मेंस नहीं दी। आप सब लोगों की बहुत आभारी हूँ, और ये जो आभार मैं व्यक्त भी नहीं कर सकती शब्दों में, जो आपने मुझे आज सम्मान दिया है, तहे दिल से प्रणाम। धन्यवाद आपका।